वेलकम बैक फ्रेंड। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं, क्योंकि बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच महाराष्ट्र से इस समय खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कल से 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने समेत कई ऐलान जारी किए हैं और ये सभी पाबंदियाँ कल रात 8 बजे से लागू रहेंगी। आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या पाबंदियाँ लागू होंगी। सभी यहां पर बातों को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटेशन क्लासेस में। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खास खास खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने आज यहाँ पर साफ कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो काफ़ी सख्त हैं, जिनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को राज्य में बंद रखने का आदेश दिया गया है। और उन्होंने कहा कि कल रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम को शुरू किया जाएगा। सीएम उद्धव ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी काम नहीं हो तो घर से ना निकलें। इसके साथ ही बस ट्रांसपोर्ट और लोकल को सभी चीज़ को बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही जारी रहेंगी। मंगलवार को यहाँ पर आज यहाँ संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना डरावने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में अब तक 970 बिल्डिंग को सील किया गया है। उद्धव ने आगे कहा कि बीच में ऐसा लग रहा था कि कोरोना के खिलाफ जंग को हम जीत गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मामला बेहद खतरनाक है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वैक्सीनेशन से कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भयंकर तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं। उन्होंने पीएम मोदी से ऑक्सीजन देने का अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना के हालात पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस समय ठाकरे जी ने 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की आर्थिक मदद भी देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिक्शे वाले को भी 1500 रुपये की मदद की जाएगी और इसके अलावे आदिवासियों को 2000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। हमने 3300 करोड़ रुपये सिर्फ कोविड संबंधी सुविधाओं के लिए अलग रखे हैं, इस बात पर उन्होंने साफ स्पष्ट किया। और 5500 करोड़ आर्थिक मदद का पैकेज उद्धव सरकार ने तैयार कर लिया है। तो ये यहाँ पर थी आज की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर। तो महाराष्ट्र में कल से लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति है। तो जो भी यहाँ पर खबर जैसी लगी हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए इस चैनल पर ताकि खास खास अपडेट की जानकारी आप लोग को मिलते रहे। तो मिलते हैं एक और खास खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।